जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने प्रेक्षागृह के सभागार में छात्रवृत्ति योजना के संबंध में विभिन्न विद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कार्यशाला का आयोजन सभी शिक्षण संस्थाओं के साथ किया गया है, जिसमें जनपद के सभी डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना का शासन द्वारा 2 समय निर्धारित किया गया है, उन सब से सभी लोगों को अवगत कराया गया, सभी लोगों को बताया गया कि जो समय दिया गया है उस निर्देश का पालन करें, जिससे कि जो पात्र बच्चे हैं वह छात्रवृत्ति से वंचित ना रह सकें। उन्होंने कहा विद्यालयों को छात्रवृत्ति पोर्टल के बारे में बताया गया। इसके अलावा शासन द्वारा एक नया प्रावधान किया गया है कि छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी, जो कक्षा 10 से लेकर ऊपर की कक्षाओं में अनिवार्य किया गया है। अब 75% हाजिरी के बाद ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य विद्यालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, तो ये एरर नहीं है जब तक आप अटेंडेंस और मार्क्स नहीं फिल करेंगे। जो इस वर्ष का शासन है 2 मई को जारी हुआ है, इसकी डिटेल किस डेट तक क्या कार्रवाई करनी है डिटेल है, ये उसी पोर्टल पर स्कॉलरशिप वाले पोर्टल दूसरा था उनको मिली जाएगी। फिर हम लोग एक सीट सेपरेट कराई है, उसमें कोशिश करेगा अपना जो भी संस्थान का व्हाट्सएप नंबर हो वो रहेगा, उसके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी डाटाबेस अपडेशन का काम चल रहा है, बच्चे जो अप्लाई वितरण दिवस होगा उसमें दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट उसके बाद से 2 अक्टूबर को, फिर 26 जनवरी को और लास्ट में फिर 31 मार्च तक हो जितने रिमेनिंग रहेंगे। ये पूरी डिटेल एक बार अपने यहां सिस्टम पर सेव भी कर लेंगे और अपने निकाल के रखेंगे ताकि ये टाइमलाइन आपको पता होते रहे। नेक्स्ट स्लाइड आगे करो। ये 2 मई का शासनादेश है, इसमें हर स्टेप स्टेप की जानकारी दी हुई है। स्कॉलरशिप का पोर्टल है, यह पोर्टल बच्चों के लिए भी है, आपके लिए भी है, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए, सोशल सेक्टर के जो अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वो भी यही साइट यूज करेंगे। यूनिवर्सिटीज जो रिजल्ट वगैरह अपना अपलोड है इसी URL पे सबको काम करना होता है। यदि इस साइट में कहीं प्रॉब्लम होगी, जैसे कई बार आता है सर नहीं चल रही है, तो सबके लिए प्रॉब्लम होती है। यदि आपके लिए हो रही है तो मुझे भी होगी, मैं भी नहीं लॉगिन कर पाऊंगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं, डेट जो शासन देता है अलग अलग चरण का देता है कि एक चरण में इंस्टीट्यूट को काम करना है तो इंस्टीट्यूट के लिए ही ओपन रहे, हम लोग के लिए लिमिटेड एक्सेस रहता है। आपने बताया गया कि 3-3, 4-4 आपके सर्वर काम करेंगे, अच्छी बात है, आपकी समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक बात को आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे हमारे पिछले साल के थे, यानी जो 10th में आ गए हैं और 9th के हैं, उनका बायो डाटा जो आपके पास है उसको अभी से फीड कराना शुरू कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि जब दोबारा जब साइट खुलेगी, मतलब बच्चों की अपने छात्रवृत्ति अप्लाई करने के लिए, वो 7 जुलाई से ना जुलाई से शुरू होगी, उस 11 जुलाई का हमको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमारे 9th के बच्चों का पूरा बायोडाटा हमारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं है जो आगे जा रहे हैं भाई। 10th और 12th के बच्चे, 12th के तो बाद में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कि जो भी डाटा है उसको हम समय पे, यानी कि पूरे जून में पूरा कर लें। साथ में ही जो अब मेन चीज़ जो शुरू की गई है हम लोगों के लिए वो है आपकी बायोमेट्रिक मशीन, जिसके द्वारा आपको बच्चों की बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उनकी अटेंडेंस को वेरीफाई कराना है। ये एक बहुत टफ काम हम लोगों के लिए, जहाँ छात्र संख्या 8,000-9,000 है उनके लिए कम से कम मैं समझता हूँ कम 15-20 मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये भी थोड़ा दुरू काम है, मुश्किल काम है। लेकिन मैं विश्वास, मुझे पूरी तरह विश्वास है, क्योंकि कम अल्प समय में 15 दिन में हमने माध्यमिक विद्यालयों में देखा कि जितना अच्छा आपने काम किया है वो वास्तव में तारीफ के लायक है, कि 15 दिन के अंदर आप लोगों ने 80% 90% हमारे जो ईमेल आईडी बच्चों की, वेब पेज है, वेबसाइट है, और
उनकी जो बायोमेट्रिक मशीन है वो आपने लगा ली है। इसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद दूंगा। और ये समाज कल्याण विभाग का जो शुरू किया गया है, क्योंकि हमको इसमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमारी अटेंडेंस जो 75% बच्चों की होनी चाहिए वो 75% अटेंडेंस हो जाए। क्योंकि जुलाई के महीने में जब स्कूल खुलेगा तो आपने बताया अभी समाज कल्याण विभाग ने कि एक लिंक दिया जाएगा, तो महीने के लास्ट में उस लिंक पर आपको बच्चों की अटेंडेंस, क्योंकि सब डिजिटल है उसमें आप हेरा फेरी कर ही नहीं सकते हैं, उसको ऑनलाइन करना। और अगर 75% से कम बच्चों का अटेंडेंस मतलब हो गई तो छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएगा, उसमें आपके वो बच्चों के अभिभावक भी आपको परेशान करेंगे, बच्चे ही परेशान होगा। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को अलर्ट कर दिया जाए कि बच्चों तुम्हारी जो अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक से होगी, और अगर 75% से अगर अटेंडेंस कम होगी ना तो आप कोई बोर्ड का एग्जाम दे पाएंगे और ना आप आगे कोई जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो स्कीम से फायदा होता है फायदा नहीं मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से, सभी मेरे साथी हैं जो प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, चाहे टेक्निकल से हों, चाहे इंटर कॉलेज के हों, कि जो भी आपको PPT में दिखाया गया है, जो हमारे आशुतोष जी ने आपको बताया है, मेरे सीनियर साहब ने बताया है, उसका पूरा पालन करेंगे और समय से बच्चों का जो डाटा फीड करेंगे उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। धन्यवाद। आशुतोष पांडे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर। आज छात्रवृत्ति के संबंध में एक बृहद कार्यशाला का आयोजन जनपद गोरखपुर के सभी शिक्षण संस्थानों के साथ किया गया। इसमें जनपद के सभी डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। छात्रवृत्ति योजना के जो दिशा निर्देश हैं, जो टाइमलाइन शासन द्वारा निर्धारित की गई है, उस सबसे सभी को अवगत कराया गया और सभी से ये अपेक्षा की गई कि जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन का अनुसरण करें ताकि जो पात्र बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति से वंचित ना रह सकें। सर, क्या क्या जानकारी इस संबंध में जो पहले से जो चली आ रही है पोर्टल छात्रवृत्ति का जो डायरेक्शन है, उसके अलावा जो इस वर्ष एक नया प्रावधान किया गया बायोमेट्रिक उपस्थिति, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बायोमेट्रिक उपस्थिति अब दसमोत्तर कक्षाओं से ऊपर के जो क्लासेज हैं उसमें अनिवार्य किया गया है। 75% की उपस्थिति के बाद ही छात्रवृत्ति के लिए बच्चा एलिजिबल होता है, तो वह उपस्थिति अब मैनुअल की जगह पर शासन का निर्देश हुआ है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ उसको कंसिडर किया जाए। यानी बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ बायोमेट्रिक से उपस्थिति के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा और वह उपस्थिति उसकी जब 75% होगी तभी उसको छात्रवृत्ति अनुमन्य होगा।